जांजगीर के शारदा मंगलम भवन में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्रमिक सम्मेलन में छत्तीसगढ़ भवन एवं कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सुनील सन्नी अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिले के श्रमिकों ने भाग लिया और शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। ग्रामीण अंचलों में भी आप शिविर के माध्यम से श्रमिक सम्मेलन के माध्यम से हम श्रमिकों के बीच रूबरू होते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे आप योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि माननीय छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी जन्म से लेकर मृत्यु तक की इस विभाग में योजना संचालित होती है, जो कि निर्माण श्रमिकों को, प्रत्येक श्रमिकों को, अंतिम छोड़ के श्रमिकों को जो है लाभ देना है, योजना का सीधा लाभ पहुँचाना है। पूर्व में जो है कैश में पैसा दिया जाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि उन्हें डीबीटी के माध्यम से सीधे अकाउंट में पैसा दिया जाए और लगभग हमारी जो 25 योजनाएं हैं वो सीधे उनके श्रमिकों के डायरेक्ट उनके अकाउंट में, हितग्राहियों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ में सभी ज़िलों में, लगभग हमारे सभी ज़िलों में हमारे श्रमिक भाई आज छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बनाए हुए योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और सभी प्रत्येक मजदूर आज खुश है। ये कार्यक्रम के माध्यम से श्रमिकों को जानकारी हमको उपलब्ध कराना है। बहुत सारी योजनाएं हमारी जो चल रही है जन्म से लेकर मृत्यु तक की, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, मृत्यु होने पर भी उनको जो लाभ मिल रहा है वो मिलना, बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत बच्चों लड़कियों को, दो लड़कियों को उनको पैसा उनको उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन बहुत सारी जानकारियां हैं जो जानकारी मजदूरों को होती नहीं है, और पंजीयन उनका हुआ नहीं रहता या पंजीयन हो जाता है तो उन लोग उसका जो कार्ड है उसको कभी देखते नहीं है, तो उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब यहाँ श्रमिक सम्मेलन आहूत किए थे श्रम विभाग के द्वारा, और उसमें उन लोगों को श्रम विभाग में चल रही जो योजनाएँ हैं उसकी जानकारी भी दी।